हेलो एवरीवन आज हम बायोलॉजी डिस्कस करेंगे यहाँ पे मैं क्लास नाइन के बायोलॉजी को डिस्कस करूँगी इसमें मैं चैप्टर नाइन को डिस्कस करूँगी इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस ऑफ बैक्टीरिया एंड फंगाई तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे इन इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस ऑफ बैक्टीरिया यहाँ पर गिवेन है कि बैक्टीरिया आर परमेटिव ऑर्गेनिज कंसिस्ट ऑफ सिंगल सेल बैक्टीरिया एक प्रकार का परमेटिव ऑर्गेनिज्म है जिसमें सिंगल सेल्स होते हैं ये जनरली प्रोक्रियोट्स सेल होते हैं मतलब इनमें जो प्लेस होते हैं वो वेल well डिफाइंड नहीं होते हैं और साथ ही साथ कोई भी इसमें ऑर्गेनल्स प्रेजेंट नहीं होता है और इसके एग्जाम्पल आप ले सकते हो प्रोक्रोड्स में आपका आ सकता है बैक्टीरिया ब्लू ग्रीन एल्गी ये सारे एग्जाम्पल है प्रोक्रोड्स के दे हैव नो क्लोरोफिल्स एंड देयर बॉडी इज़ नॉट डिफ्रेंशिएटेड इन टू पार्ट लाइक अ रूट स्टेम लीव्स एंड फ्लावर मतलब इसमें क्लोरोफिल्स नहीं प्रेजेंट होते हैं बैक्टीरियाज में और इसमें किसी भी तरीके से इसके पार्ट जो है डिफ्रेंशिएट नहीं होते रूट्स रूट्स स्टेम फ्लावर के फॉर्म में अकॉर्डिंग टू द रिसेंट फाइव किंगडम क्लासीफिकेशन जो हमने फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन देखा है उसमें हमने देखा था कि बैक्टीरिया जो है वो एक प्लांट नहीं है इसके पीछे का रीजन बस इतना है कि इसमें क्लोरोफिल प्रेजेंट नहीं होता है इस वजह से ये न्यूट्रिशन के लिए किसी अदर ऑर्गनिज पे डिपेंड करते अदर अदर चीज़ों पर डिपेंड करते हैं दैट्स वाई ये हाइड्रोट्रॉफिक्स है ऑटोट्रॉफिक नहीं होते हैं प्लांट्स एक्चुअली क्या होते हैं ऑटोट्रॉफ्स होते हैं ठीक है नाउ नेक्स्ट यहाँ पे दे रखा बैक्टीरिया जनरल स्टडी द बैक्टीरिया मोस्ट प्रव यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म इच बैक्टीरिया सेल कंटेनर सिंगल क्रोमोजोम हर एक बैक्टीरिया के बैक्टीरिया में सिंगल क्रोमोजोम्स प्रजेंट होती हैं जो कि विच इज नॉट इनक्लोज इन द न्यूक्लियर मेम्बरइन जो कि क्लोज नहीं होते न्यूक्लियर मेम्बर में क्योंकि बैक्टीरिया एक प्रकार का प्रयोग है और प्रयोग करुअट्स के न्यूक्लियर मेम्ब्रेन वेल डिफाइंड नहीं होते हैं इस वजह से क्रोमोजोम जो होते हैं सिंगल क्रोमोजोम वो किसी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से क्लोज्ड नहीं होते हैं ठीक है नाउ नेक्स्ट यहां दे रखा है बैक्टीरिया सो नुमरस एंड एवरीवेयर बैक्टीरिया हर जगह है नाउ नेक्स्ट यहां पे दे रखा है देयर आर सेवरल थाउजेंड नोन स्पीशीज ऑफ बैक्टीरिया व्हिच ऑकर इन एयर वाटर सोइल फूड स्टॉप्स ऑन ऑन और इनसाइड द बॉडी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज बोला जाए सेवरल थाउजेंड नॉन स्पीसीज हैं बैक्टीरिया के प्रजातियाँ हैं बैक्टीरियाज के जो कि प्रेजेंट होते हैं एयर में वाटर में सॉइल में फूड के स्टॉप्स में प्रेजेंट होते हैं इनसाइड द लिविंग ऑर्गेनिज प्रेजेंट होती है बॉडी के इनसाइड में भी प्रेजेंट होते हैं बहुत सारे बैक्टीरियाज एंड इस शॉर्ट प्रैक्टिकली एवरी वर्न तो हम सिंपल वे में ये बोल सकते हैं कि हर जगह बैक्टीरिया प्रेजेंट है इन आवर ओन बॉडी देयर आर हंड्रेड्स एंड थाउजेंड ऑफ बैक्टीरिया इन द माउथ अगर हम बॉडी की बात करें तो हमारे बॉडी के माउथ हमारे बॉडी में माउथ में ही हं, हंड्रेड से लेकर थाउजेंड बैक्टीरिया प्रेजेंट है ऑन स्किन इनसाइड इनसाइड इंटेस्टाइन्स इन द जेनेटिकल ट्रैक इन सभी जगहों पे आपको बैक्टीरिया देखने को मिल सकते हैं ठीक है अब यहाँ पर स्किन तो पता ही है हमारे जो आउटर जो सरफ जो स्किन हमारी है वहाँ पर भी बैक्टीरिया प्रेजेंट होती है जो हमारे स्मॉल इंटेस्टाइंस लार्ज इंटेस्टाइंस है उसमें भी हमारी बैक्टीरियाज प्रेजेंट होती है जेनेटिकल ट्रैक्स में आपका आ सकता है वेजिना यूट्रस फ्लोपियन ट्यूब्स ओवरीज इन जगहों पर भी बैक्टीरिया प्रेजेंट होते हैं सम बैक्टीरिया ऑकर इन आवर इंटेस्टाइंस आर बेनिफिशियल कुछ बैक्टीरिया जो आपके इंटेस्टाइन में प्रेजेंट होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियस होते हैं काफ़ी हेल्पफुल होते हैं सर्टेन प्रोसेस uh, के लिए देथिसाइज सर्टन विटामिन कुछ vitamins, vitamins वो सिंथेसाइज़ करते हैं जैसे कि विटामिन बी सर्टन आर हाईली इंजरियस कॉजेज या डिजीज कुछ बैक्टीरिया काफ़ी ज़्यादा इंजरियस होते हैं जो डिजीज ओकर करते हैं बट दे आर बट दे आर अदर विच आर हाईली बेनिफिशियल कुछ जो होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल होते हैं अकॉर्डिंग टू

ठीक है दिस बैक्टीरिया आर इवन यूजफुल एज दे प्रिवेंट द ग्रोथ ऑफ द हार्मफुल वंस ये जो बैक्टीरिया है काफ़ी ज़्यादा यूजफुल होते हैं और हार्मफुल बैक्टीरियाज को या फिर हार्म हार्मफुल्स को क्या करते हैं ग्रोथ होने से रोकते हैं हार्मफुल चीज़ों को ग्रोथ होने से वो क्या करते हैं रोकते हैं नाउन नेक्से यहाँ पर दे रखा है साइज के हिसाब तो से हम देखें तो बैक्टीरिया आर द स्मॉलेस्ट लिविंग ऑर्गेनिज ऑन द अर्थ अर्थ में सबसे स्मॉलेस्ट लिविंग ऑर्गेनिज की अगर हम बात करते हैं तो वो बैक्टीरिया है विद एन एवरेज साइज अगर हम बात करें इसकी तो टू माइक्रोमीटर लॉन्ग लॉन्ग होता है लंबाई इनकी टू माइक्रोमीटर की होती है और इनकी जो थिकनेस होती है वो होती है जीरो पॉइंट फाइव माइक्रोमीटर सेब की अगर हम बात करें तो सेब वाइज हम बैक्टीरिया को चार पार्ट में डिवाइड करते हैं पहला है आपका आ, कोजी दूसरा क्या है वेसिलाई उसके बाद एस्पिरिला उसके बाद आपका है आ, भाइब्रियो ये चार पार्ट में हमने डिवाइड करते हैं तो कोजी में जनरली आपका स्पैरिकल बैक्टीरिया होती है बैक्टीरिया की जो सेप होती है वो स्पेरिकल सेप की होती है उसके बाद हमारे बेसिलाई में अगर हम देखें तो इसमें रोड सेप्ड बैक्टीरिया होती है फिर स्प्रिला में आपका स्पाइरल या फिर ट्विस्टेड बैक्टीरिया होती है और वाइब्रो भागर, वाइब्रियो में अगर आप देखो तो कॉमा सेप कॉमा सेब्ड लाइक सेप like शेप के आपको बैक्टीरिया देखने को मिलते हैं मेनी बैक्टीरिया लीव सिंगल बट सम ऑकर इन द देयर डाइप्लोकोजी मतलब कुछ जो होते हैं सिंगल बैक्टीरिया होते हैं मैनी बैक्टीरिया जो होते हैं लिव करते हैं सिंगल मतलब सिंगल ही रहते हैं कुछ ऐसे बैक्टीरिया है जो दो पेयर्स में, में रहते पेयर में रहते हैं उसको हम बोलते हैं डाइप्लोकोजी और कुछ जो होते हैं लॉन्ग चेन्स में रहते हैं उन्हें हम बोलते हैं हैंप्टोकोजी एंड इन द और इन द क्लस्टर क्लस्टर के फॉर्म में रहते हैं और जो क्लस्टर के फॉर्म में रहते हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं अस्टेफिलोकोजी ठीक है जैसा कि यहाँ पे फिगर में दिखा रहा है कै कैसी अगर डबल्स में रह रहे हैं डबल पेयर में रह रहे हैं तो इसको बोलेंगे डाइपलो कोज को, इसको डायप्लो कोकस बोल सकते हैं अगर आपका यहाँ पर जस्ट यहाँ पे बहुत सारे चेन के फॉर्म में रह रहे हैं तो इसको हम बोलेंगे एस्ट्रेप्टो कोकस कोकस उसके बाद हमारे यहाँ पे बहुत सारे फॉर्म में बहुत सारे एक साथ झुंड बना कर रह रहे हैं तो इसको हम बोलेंगे स्टेफिलोकोजी ठीक है या फिर कोकस ठीक है नाउ नेक्स्ट यहाँ पर दे रखा है जो बेसिलस होते हैं वो जनरली रोड सेप के होते हैं एस्प्रिलम जो होती है वो जनरली आपका स्पायरल और या बोल सकते हो कर्व्ड सेप के होते हैं नाउ नेक्स्ट यहाँ पर देखो आप स्ट्रक्चर की अगर हम बात करें तो ईच इंडिविजुअल बैक्टीरिया इज रेदर अ सिंगल सेल जितने भी इंडिविजुअल बैक्टीरिया की अगर हम बात करें सभी एक सिंगल सेल से बने हैं इट कंटेन द लिविंग सब्सटेंस प्रोटोप्लाज्म प्रेजेंट होता है प्रोटोप्लास्ट प्रेजेंट होता है लाइंग विद इन द सेल मेम्ब्रेन ये सभी सेल मेम्ब्रेन में प्रेजेंट होते हैं साइटोप्लाज्म प्लस बैक्टीरियल क्रोमोजोम्स साउंड मतलब जो आपके सेल मेम्ब्रेन के अंदर साइटोप्लाज्म प्रेजेंट होता है बैक्टीरियल क्रोमोजोम्स प्रेजेंट होती है सराउंडेड बाय द नॉन लिविंग स्टिफ एक नॉन लिविंग स्टिप्स होती जिन्हें हम क्या बोल सेलवाल क्योंकि हमें पता है प्लांट में भी सेलवाल प्रेजेंट होती है और यहाँ पे भी सेलवाल प्रेजेंट है और दोनों ही केसेस में जो सेलवाल्स होते हैं वो नॉन लिविंग होते हैं ठीक है बट यहाँ पर जो सेलवाल है हमने जनरली पढ़ा था कि प्लांट में जो सेलवाल होते हैं वो सेलोज के बने होते हैं बट यहाँ पर जो सेलवाल uh, है वो जनरली बने हुए हैं पैप्टिडो गाय के गायकेन बोल सकते हो हाँ पेप्टिडो गाइकेन के बने होते हैं और थिन सेल में लाइज इमीडिएटली बीनीथ द सेल वाल एंड सराउंडिंग द साइटोप्लाज्म जो थिन सेल वाल होता है जो जस्ट जो आपकी सेल वाल है उसके जस्ट इनर वाला जो लेयर्स होता है वो जनरली आपका क्या होता है सेल मेम्ब्रेन होता है और उसके सराउंडिंग क्या होते हैं प्रेजेंट साइटोप्लाज्म प्रेजेंट होते हैं ठीक है थीके? कहने का मतलब सबसे आउटर पार्ट में आपको सेल वाल होता है उसके जस्ट इनर वाले पार्ट में आपको सेल मेमरस देखने को मिलते हैं देयर इज अ नो वेल डिफाइंड न्यूक्लियस बट द क्रोमेटिन मटेरियल इज प्रेजेंट इन द सेंट्रल रीजन मतलब बोला जा रहा है कि ऑफ कोर्स ये क्रोट्स है तो इसमें कोई वेल डिफाइंड न्यूक्लियस नहीं होते हैं बट यहाँ पे क्रोमेटिक मटेरियल प्रेजेंट होते हैं न्यूक्लियस में क्योंकि क्रोमेटिक मटेरियल न्यूक्लियस में ही प्रेजेंट होते हैं इन द सेंट्रल रीजन कहाँ पे प्रेजेंट होता है सेंट्रल रीजन में क्रोमेटिक मटेरियल इज इन द फॉर्म ऑफ सिंगल सर्कल सिंगल सर्कल के

भी प्रेजेंट होता है तो साइटोप्लाज्म जनरली हम बैक्टीरिया के साइटोप्लाज्म की बात करें तो उसमें क्या क्या चीज़ें प्रेजेंट होती है तो जनरली प्रेजेंट होता है, है वैक्यूस तो वैक्यूस जस्ट लाइक एक ऐसी स्पेस होती जहां पे पे है जहाँ पर वाटर या फिर सोल्यूबल सबस्टांस प्रेजेंट होते हैं ग्रेनुअल्स में आपका आ जाता है स्मॉल पार्टिकल इन स्मॉल पार्टिकल जो होती है साइटोप्लाज्म में जो 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 जनरली माना जाता है कि उसमें फ़ूड क्या होते हैं फूड मटेरियल कंटेन होते हैं उसमें जैसे कि फॉर एग्जाम्पल स्टार ग्लाइक्रोजेन और फैट्स ये सारी चीज़ें उसमें कंटेन होती है ग्रेनुल्स में ठीक है एंड इधर वेरी फ्यू केसेस में आप देखते हो कि इसमें ग्रीन पिगमेंट में प्रेजेंट होता है समटाइम्स स्लिमी प्रोटेक्टिंग प्रोटेक्टिव लेयर कोल द कैप्सूल इज प्रेजेंट आउटसाइड द सेलवाल मतलब सेलवाल के बाहर भी एक लेयर प्रेजेंट होता है प्रोटेक्टिव लेयर्स कहलाता है वो उसे हम क्या बोलते हैं कैप्सूल बोलते हैं जैसा कि आप फिगर में दिखा रखा है किसी यहां पर आपको दे रखा है फ्ले यहाँ पर गिवन है सबसे आउटर जो है वो कैप्सूल है उसके जस्ट अंदर आप देखो तो सेलवाल है यहाँ पे प्लास्मिड है ठीक है ये प्लास्मिड प्रेजेंट है तो ये सारी सेल मेंबरन भी है ऑफ कोर्स कैप्सूल के बाद आपका सिलवाल होगा सिलवाल के बाद सेल मेंबर प्रेजेंट होगी ठीक है और फिर उसके बाद आपका बैक्टीरियल क्रोमोजोम है साइटोप्लाज्म है फिर ग्लाइकोजन ग्रेनुअल्स है ये सभी आपके ये पूरे पार्ट जो है वो प्रोटोप्लाज्म में इंक्लूडेड है ठीक है नाउ नेक्स्ट यहाँ पर देखो नाउ नेक्स्ट साल मूवमेंट की अगर हम बात करें तो मूवमेंट में दे रखा है मोस्ट बैक्टीरिया कैन नॉट मूव अबाउट बाय देयर ओन एफर्ट्स मतलब बहुत सारे ऐसे बैक्टीरिया है जो अपने एफर्ट्स से मूव नहीं कर सकते दे आर ओनली पेसिबली ट्रांसपोर्टेड बाय द विंड वाटर एंड कॉन्टैक्ट मत पेसिबली ट्रांसपोर्ट कर पाते हैं विंड की हेल्प से या वाटर की हेल्प से या फिर किसी कॉन्टेक्ट के हेल्प से वो एक जगह से जगह मूव कर पाते हैं बट सम बैक्टीरिया पोज वन और मोर वाइट लाइक फ्लेगिला प्लेस जिला बोल सकते हैं सर यहाँ पर बोल रखा है आ, वेट यहाँ से स्टार्ट करते हैं मोस्ट बैक्टीरिया कैन नॉट मूव अबाउट अबाउट बाय देयर ओन एफर्ट्स मतलब कुछ ऐसे बैक्टीरियाज होते हैं मैक्सीम uh, जो बैक्टीरियाज होते हैं वो मूव नहीं कर पाते अपने एफर्ट्स से उन्हें किसी अदर सपोर्ट की रिक्वायरमेंट होती है मूवमेंट के लिए जैसे कि विंड वाटर और किसी कॉन्टैक्ट के जरिए बट समक्टीरिया पोजेज़ वन और मोर वीप लाइक वीपलाइक एक आपका होता है फ्लेजिला होता है जिसके जरिए जस्ट लाइक फ्लेजिला एक प्रकार का बोल सकते हो एक लोंग थीन पीसेज होती है वो प्रजेंट होती है उसके थ्रू क्या कर देता है uh, जो क्या होती है अटैच होती है सेलवाल से ठीक है उसके जरिए वो क्या करती है मतलब जस्ट लाइक अटैच होती है सलवार और कैप्सूल के जरिए तो उससे क्या होता है उसके हेल्प से वो एक जगह से दूसरे को मूव कर पाती है ये जनरली फ्लेजिला जो होता है ये जनरली एक्टिव होती एक्टिव लोकोमोशन देती है सपोर्ट करती है एक्टिव लोकोमोशन को जब वो लिक्विड इन्वायरमेंट में होता है बैक्टीरिया ठीक है ऐसे एयर एयर स्वाइल की कंडीशन में ये लोकोमोटिव प्रोवाइड नहीं करता है बैक्टीरिया को जनरली एयर वाटर जब वाटर का इन्वायरमेंट होता है ना उस केसेस में ये जो फ्लेजिला है वो मूवमेंट में सपोर्ट करता है बैक्टीरिया को ठीक है नाउ नेक्स्ट यहाँ पर दे रखा है न्यूट्रिशन मोस्ट बैक्टीरिया हैव नो क्लोरोफिल बहुत सारी बैक्टीरिया है जिनके क्लोरोफिल प्रेजेंट नहीं होते हैं देर फॉर दे डिपेंड ऑन द रेडीमेड फूड्स इस वजह से डिपेंड करते हैं रेडीमेड फूड पर फ्रॉम द डिफरेंट सोर्सेज हाइड्रोफिक्स होते हैं इन दिस कैटेगरी द बैक्टीरिया में भी बैक्टीरिया को हम दो कैटेगरी में डिवाइड कर रखे हैं मतलब क्योंकि वो दूसरे पर डिपेंड करते हैं फूड के लिए तो उस हिसाब से हमने दो पार्ट में डिवाइड कर रखा है एक होता है सेप्रोट्रॉफिक और दूसरा होता है पारासिटिक, ठीक है सेप्रोट्रॉफिक में हम देख रहे हैं कि ये जो नरिशमेंट प्रोवाइड होता है जो न्यूट्रिशन जो है वो किससे मिलता है डेड ऑर्गेनिक से मिलता है, है। पारासिटिक की अगर बात करें तो इसको जो नरिशमेंट या फिर न्यूट्रिय जो है वो मिलता है लिविंग होस्ट से जिसपे वो रह रहे हैं उन्हीं से वो लेते हैं न्यूट्रिशंस ठीक है नाउ नेक्स्ट यहाँ दे रखा था बैक्टीरिया सिक्रीट पावरफुल एंजाइम्स ये होता कैसे पॉसिबल हो कैसे पाता है तो बैक्टीरिया एक्चुअली जहाँ पर रहते हैं और जिस भी डेड ऑर्गन के पास रहते हैं वहाँ पर वो क्या करते हैं सिक्रीट करते पावरफुल इंजाइम्स को फ्रॉम देयर सेल अपने सेल से एक पावरफुल इंजाइम को सिक्रीट करते हैं इन टू द सराउंडिंग फूड कॉन्टेंट मटेरियल जहाँ पर फूड कॉन्टेंट मटेरियल्स है वहाँ पर वो क्या करते सिक्रीट करते इंजाइम को एंड देन एंड देन द इंजाइम मेक द फूड मटेरियल सोल्यूबल इस वजह से जो इंजाइम्स क्या करता है कि फूड मटेरियल को क्या कर देता है सोल्यूबल बना देता है विच इज देन ऑब्जर्व उसके बाद उसे ऑब्जर्व कर लिया जाता है बैक्टीरिया सेल के द्वारा ठीक है नेक्स्ट यहाँ पर दे रखा है रेस्पायरेशन सम बैक्टीरिया रेस्पायर बाद है ऑब्जॉर्विंग द एटमोस्फेयरिक ऑक्सीजन मतलब कुछ बैक्टीरिया जो है वो रेस्पायरेशन के लिए ऑब्जॉर्व करते हैं एटमोसफेयरिक ऑक्सीजन को एरोबिक है क्योंकि जो ऑक्सीजन लेते हैं एरोबिक में हम कंसिडर करते हैं अदर नीड नो फ्री ऑक्सीजन एनारोबिक होते हैं द एनारोबिक बैक्टीरिया आर किल इफ एक्सपोज टू एयर अगर उन्हें आप एयर में छोड़ दो ना तो वो तुरंत ही मर जाते हैं क्योंकि वो एनारोबिक होते हैं ठीक है नावनेक्स यहाँ पर देखो रिपोडक्शन रिपोडक्शन इन द बैक्टीरिया इज ओनली ए बाई मीन ऑफ फीजन और सेल डिविजन रिपोर्डक्शन की अगर हम बात करें तो बैक्टीरिया में रिपोर्डक्शन एक सेक्सुअल होता है जिसमें फीजन या फिर सेल डिविजन के जरिए होता है द सर्कुलर डीएनए डुप्लीकेट द सेल एक्सपैंड एंड टू डीएनए आर पुल्ड अपार्ट जैसा कि फिगर में दिखा रखा है कि दो पार्ट में दो डीएनए फॉर्म्ड हो जाती है द सेल कंस्ट्रिक्ट एट द मिडिल सेपरेटेड सेपरेटिंग द टू सेल्स दो पार्ट में सेपरेट करने मिडिल में सेपरेशन आने लगता है डिपेंडिंग ऑन द टाइप ऑफ द बैक्टीरिया ऑफ द टू डॉटर सेल में आइदर रिमेन अटैच दो डॉटर सेल फॉर्म्ड होते हैं या तो दोनों अटेच्ड होते हैं या फिर दोनों इंडिपेंडेंट सेल में कन्वर्ट हो जाते हैं ठीक है सेपरेटेड फॉर्म द इच अदर एज अ इंडिपेंडेंट सेल जैसा कि फिगर में दिखा रखा है ठीक है नाउ नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे बैक्टीरिया रिप्रोड्यूस वेरी फास्ट बैक्टीरिया जो है काफी फास्ट रिप्रोड्यूस होते हैं अंडर आइडियल कंडीशन सम बैक्टीरिया डिवाइड एट अ वेरी फास्ट रेट जो काफी वेरी फास्ट रेट के साथ वो डिवाइड होते हैं वंस इन एवरी हाफ एन आवर मतलब हर एक हाफ आवर में वो डिवाइड होते रहते हैं एट दिस रेट द ग्रोथ ऑफ डिविजन स्टार्टिंग विद सिंगल बैक्टीरिया एट द एंड ऑफ ट्वेंटी फोर आवर देयर वुड बी अ इतना बैक्टीरियास मतलब इतने सारे बैक्टीरियास बन जाते हैं 24 फोर आवर में ठीक है उ नेक्स्ट यहाँ पर दे रखा हाई परमेटिव टाइप ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हैज फाउंड इन अ वेरी फ्यू बैक्टीरिया एंड इज सिंपल मतलब टाइप सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हैज बिन फाउंड इन वेरी फ्यू बैक्टीरियाज में आप देख पाते हो एंड इज एक्सट्रीमली सिंपल ये काफी सिंपल होते हैं इन सिंपल फॉर्म में रिप्रोडक्शन प्रोसेस होता है इन दिस मेथड होता क्या है कि टू बैक्टीरियाज ऑफ द डिफरेंट स्ट्रेन बट ऑफ द सेम स्पीसी डिफरेंट स्ट्रेन है बट एक ही प्रजाति के हैं कम टूगेदर द प्लासमिट जो है डोनर

Unfavorable conditions, such as a drying up of the vegetation, the bacteria cell. ड्रोन इट कंटेंट इंटू अ स्पेरिकल मास विच विच बिकम सराउंडेड बाय द थीक एंड हार्ड प्रोटेक्टिव वाल जो सराउंड होता है काफ़ी हार्ड और प्रोटेक्टिव वाल से दिस लिटिल राउंडेड बॉडी इज स्पोर इसी लिटिल राउंडेड बॉडी को हम क्या बोलते हैं स्पोर बोलते हैं जिसमें बैक्टीरिया जाकर रहते हैं कुछ अन अनफेवरेबल कंडीशन में जैसे मान लो टेम्परेचर काफ़ी हाई है यहाँ पर टेम्परेचर काफ़ी लो है तो बैक्टीरिया अपने को सर्वाइव करने के सर्वाइव रहने के लिए मतलब तो जीवित रखने रहने के लिए वो इस तरीके से उसमें जाकर रहते हैं हैं जिससे उन्हें किसी भी तरीके से प्रॉब्लम नहीं होता वो सर्वाइव कर पाते हैं ज्यादा गर्मी और ज्यादा होटेड एरिया में ठीक है विच इज कंटेंट विथ इन अ ऑरिजिनल सेल वाल जो ओरिजिनल सेलवाल के अंदर प्रजेंट होता है बट लेटर बिकम फ्री वेन द सेल वाल रेप्चर मतलब वो बाद में फ्री हो जाता है जब ये टूट जाता है सच स्पोर्स आर यूजली द रेस्टिंग स्टेज मतलब ये जो स्पोर होता है कह सकते हो एक रेस्टिंग स्टेज है किसका बैक्टीरिया का विच कैन विथस्टैंड अनफेवरेबल ये ये ऐसी मतलब स्टेज है जहाँ पर वो अनफेवरेबल कंडीशन में अपने को विथस्टेंड करते हैं दिस कैन दिस कैन टॉलरेट एक्स्ट्रीम ड्राइनेस काफ़ी ज़्यादा ड्राइनेस है वहाँ पर वो इस कंडीशन में टॉलरेट ट कर सकते हैं स्पोर्ट्स में रह के सम कैन नॉट बी किल इवन एट द टेम्परेचर ऑफ़ द बॉइलिंग वाटर ऑफ फ्रोजन वो लोग मर भी नहीं पाते अगर टेम्परेचर बॉइलिंग टेम्परेचर के अलावा के, के बियॉन्ड हो जाए तब भी वो सर्वाइव कर पाते या फिर काफी कम टेम्परेचर हो जाए तब भी वो सर्वाइव कर पाते सम कैन टोलरेट पॉइजनस केमिकल कुछ ऐसे होते हैं बैक्टीरिया कि इस सिचुएशन में पॉइजनस केमिकल्स को भी टोलरेट कर लेते हैं मतलब उससे भी उन्हें किसी भी तरीके से अफेक्ट नहीं करता है ठीक है द स्पोर्ट्स कैन बी कैरी फार एंड वाइड बाय द वेरियस मीन सच एज विंड वाटर और कॉन्टेक्ट इस तरीके से इनका भी आ, मतलब एक जगह से दूसरी जगह मूव तो, कर पाते हैं ऑन मीटिंग फेवरेबल कंडीशन और जब वो मीट कर लेते हैं फेवरेबल फेवरेबल कंडीशन को तो स्पोर्ट्स जर्मिनेट हो जाता है दे आर डोर्मेंट्स जो इनएक्टिव जो प्रोटोप्लाज्म था बिकम एक्टिव ठीक है एंड द स्ट्रीम आउट ऑफ द रैप्चर वॉल इन द फॉर्म ऑफ न्यू बैक्टीरिया और जो स्ट्रीम जो है आउट हो जाता है वाल को तोड़कर एंड फॉर्म कर देता है

एंटीबायोटिक्स इसको करेंगे नेक्स्ट क्लास में ओके दिन बाय